नौ बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इज माइनस 2। नो, एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनो। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर में ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, जीरो। मतलब समझो, जैसे कि मान लो 5 दिया है, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 5। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 में माइनस 5 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। चेक कर लो, 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 5 जीरो। यानी कि जो नंबर दिया होता है उसका बस साइन चेंज कर दो। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस 5। इसी तरीके से अगर आपको माइनस 5 दिया हुआ है तो माइनस 5 का साइन चेंज कर दो, माइनस की जगह प्लस 5 कर दो, तो माइनस 5 का एडिटिव इनवर्स 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करने पर आंसर कितना आएगा, जीरो। तो इसी तरीके से एडिटिव इनवर्स 1 बाय 2 का कितना होना चाहिए था, चेक कर लो। 1 बाय 2 का एडिटिव इनवर्स कितना होना चाहिए था, 1 बाय 2 के आगे नेगेटिव लगा दो बस, माइनस। यानी कि माइनस 1 बाय 2 होना चाहिए था, ठीक। क्यों? इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, चेक कर लो, 1 बाय 2 में अगर हम माइनस 1 बाय 2 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। चेक कर लो, प्लस माइनस 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 1 बाय 2, 1 बाय 2 नेगेटिव, 1 बाय 2 पॉजिटिव, कैंसिल, आंसर जीरो, ठीक। यानी कि 1 बाय 2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो माइनस 1 बाय 2 है। इन्होंने क्या बोला है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 इज माइनस 2। रॉन्ग भाई, 1 बाय 2 का एडिटिव इनवर्स माइनस 2 थोड़ी ना बेटा, कितना है, माइनस 1 बाय 2। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए।